स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसका अभी हमारा स्टार्ट किया है आज, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। पहला एक्सरसाइज है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक, मीन्स संस्कृति के जो संस्थापक थे या उसके नायक थे, उन्हें हम कहते हैं उन्नायक। इससे पहले बता दें कि आपका लुसेंट में लगभग कंप्लीट है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को छोड़कर सारा कंप्लीट है। और साथ ही मैंने कई अन्य बुक भी किए हैं, जैसे कि SPT जनरल साइंस का बुक आता है एक लुसेंट का, वो अचीवमेंट, महेश कुमार वर्णवाल। तो अगर आप वो सब देखना चाहते हैं, और देखना भी चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। और आर्ट एंड कल्चर आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में इससे उम्मीद कर सकते हो। पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा, तोता ए हिंद या तूती ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, किनका नाम तोता ए हिंद भी था? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था एटा में, एटा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन ओहलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अमीर खुसरो किसके पुत्र थे? निज़ामुद्दीन ओहलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किसके शासक के दरबार कवि थे? वही प्रश्न आ गया, अलाउद्दीन खिलजी। और एक था अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षक था मलिक गफूर, तो वो भी पूछा जाता है मलिक गफूर किसके शासनकाल में था, तो अलाउद्दीन खिलजी। महान हिंदू विधि निर्माता इनमें से कौन थे? ये थे मनु, मनु। विधि मीन्स होता है विधान, मीन्स संविधान जिसे हम लोग कहते हैं, वही होता है। तो उस टाइम में वैसे भी हिंदू का जो प्रारंभिक संविधान जिसे कहें, वो था मनुस्मृति, याद रखिएगा मनुस्मृति। फिर आया जवाबी धर्मनिरपेक्ष, फिर आया हमारा संविधान, तो मनुस्मृति इंपॉर्टेंट है। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किन्हें माना जाता है? ये थे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती। एक प्रश्न और भी आता है कि जितने भी चिश्ती हुए या जो भी हुए, उसमें सबसे फेमस कौन से हुए, तो ये ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती ही सबसे प्रसिद्ध हुए। पैगंबर मोहब्बत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469, 1469। चैतन्य ने शिक्षा दी, चैतन्य ने किस टाइप की शिक्षा दी थी? भक्ति की। चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। गुरु नानक का शिष्य लहना जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, मीन्स ये गुरु नानक के शिष्य थे, इनका बचपन का नाम लहना था, बाद में इनका नाम क्या हो गया? अंगद, अंगद। त्यागराज कौन थे इनमें से, मीन्स त्यागराज किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ये एक संगीतज्ञ थे, त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सितार के जादूगर थे रहीम सेन, रहीम सेन। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक। तानसेन का वास्तविक नाम रामतन पांडे, रामतन पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, ये वास्तविक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे हम लोग 12 जनवरी को हम लोग क्या मिलाते हैं? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। अच्छा, विवेकानंद ने ताशकंद, सॉरी, एक सम्मेलन में भाषण दिया हुआ था, वो कब दिया गया था जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो काफ़ी फेमस है वो। कन्फ्यूसिस, कन्फ्यूसियस, फिर से रिपीट करते हैं इसको, कन्फ्यूसियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूसियस का वास्तविक चीनी नाम था कुंज श्रु, कुंज श्रु। उर्दू के मशहूर शायक मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्लाह खां, असदुल्लाह खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूरस्त, कुछ ऐसा उन्होंने उर्दू में कहा था, ये था निज़ामुद्दीन ओहलिया ने कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसकी है?
यह है कबीरदास की, कबीरदास की। कर्मण्येवाधि वारस्ते मा फलेषु कदाचनम, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? यह श्रीमद्भगवद् गीता, श्रीमद् भगवत गीता की है। कर्मण्येवाधि वारस्ते मा फलेषु कदाचनम, किसने कहा था? राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ये कहा गया था कबीरदास के द्वारा, कबीरदास। वेदों की ओर लौट चलो, ये किनका नारा था? वेदों की ओर लौट चलो था आर्य समाज का, आर्य समाज का। संत कबीर किसके शिष्य थे? ये थे रामानुजम के, सॉरी रामानंद के। कबीर संत या संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास, हरिदास। ये एक्सरसाइज आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात को। सिख गुरु या सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलबंडी में, तलबंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? ये था पटना साहिब। ये प्रश्न काफ़ी कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट करते क्या है, गुरु नानक देव में पटना साहिब टिक लगाते हैं, लेकिन नहीं, गुरु गोविंद सिंह जब हो तब पटना साहिब, नानक देव हो तो तलबंडी। हालांकि एग्जाम में अधिक आपको गुरु गोविंद सिंह ही पूछा जाता है, अगर कभी पूछ दे नानक देव तो तलबंडी पे टिक लगाना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में, मक्का। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पे है? लुम्बनी, लुम्बनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कलादी में, कलादी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, ये तीनों क्या है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? पावापुरी, पावापुरी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया गया था सारनाथ में, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक वीडियो में मैंने बहुत पहले कह दिया था मध्य प्रदेश। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में, बेथलेहम। ये कहाँ पे है? इसराइल में होता है मेनली। अगर किस महापुरुष, फिर से रिपीट करता हूँ, मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है, मीन्स किस महापुरुष का जन्म मगहर में हुआ था? कबीर का, कबीर। वर्धमान महावीर का जन्म स्थल कहाँ था? ये था कुंडलग्राम, कुंडग्राम। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उन्हें हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, बोधगया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नाडिया में, नाडिया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंध नहीं है, कौन सी घटना से यह स्थल जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड नहीं है? तो सांची नहीं है, सांची का स्तूप, जबकि कुशीनगर, सारनाथ और बोधगया महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो आंसर यहाँ पे डी है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नादेर, नादेर। महावीर जैन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, पावापुरी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? मिर्जा गालिब निवासी थे आगरा के, आगरा उत्तर प्रदेश में है। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह के चलते, गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य, चैतन्य थे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। शिकागो के प्रसिद्ध, यही शिकागो में ही हुआ था स्वामी विवेकानंद का, यही प्रश्न पूछा गया। और मैंने आपसे प्रश्न जो पूछा कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण कौन से ईस्वी में हुआ था, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मल्लराज सस्तीपाल
मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु? मलराज सस्तीपाल के महल में हुआ था, महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ये दिया गया था अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। अगर आपको ये पता होता है कि कौन सा संगीतज्ञ या कौन सा कवि किसके दरबार में है, तो आप ऐसे प्रश्न आसानी से ठीक कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? ये दिया गया था महाराज खेत्री के द्वारा, महाराज खेत्री के द्वारा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। ये अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें भी ये प्रश्न क्या है आ रहा है। अगर आप हिस्ट्री का भी वीडियो देख रहे हो लगातार, तो आपको ये मिल रहा होगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय, क्षत्रिय मीन्स राजपूत। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध थे शाक्य वंश से, शाक्य। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? इनका नाम था वर्धमान, वर्धमान। निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इनमें से तुकाराम जो था महाराष्ट्र से था। दक्षिण भारत के अलवर थे, दक्षिण भारत के अलवर मीन्स किनको अलवर कहा जाता था? तो वहां के संत को अलवर कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इनमें से किसका मिलान यहाँ पे गलत है, मीन्स तीन सही है और एक गलत है। तो वल्लभाचार्य गुजरात के थे, ये गलत है, जबकि चैतन्य बंगाल के थे, ये सही है। नरसिंह मेहता गुजरात के थे, नामदेव महाराष्ट्र के थे। सिखों के किस गुरु गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ये अभी पढ़े थे, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। उसके बाद जो है एक बुक का मीन्स उनको ये लोग गुरु मान लिए। तो 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के आंतरिक कौशिक खालसा पंथ के संस्थापक भी थे गुरु गोविंद सिंह, और दसम ग्रंथ के रचयिता भी यही थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? अर्जुन देव थे जहांगीर के शासन काल में। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो वो भी अभी हम पढ़े, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। ये तीनों सेंटेंस आप याद रखो गुरु गोविंद सिंह के बारे में। राग मियाँ की मल्हार, सॉरी मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे कहा जाता है? यह है तानसेन, तानसेन। तो टोटल 63 प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।